Honorable Speaker, sir. Sir, I was just going through the note and as well listening to the briefing given by the Honorable Minister for Health and Family Welfare, Sir Itala Rajendra Saab. Honorable Speaker, sir, so the note says, short discussion on COVID-19, impact of coronavirus in the state and measures taken. So before going on the note or the discussion on the impact and the measures of corona, standing here, sir, when I rise to participate in this discussion, I feel it is my moral responsibility, aur main samajhta hu ki ye mera akhlaqi fariza aur meri zimmedari hai ki main yahan khade hokar wo sare health workers jo 5 mahine se इंसानों की जान को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर अपने बीवी बच्चों को भुलाकर अपने बूढ़े मां बाप को भुलाकर एक बीमार की जान बचाने की जो कोशिश में लगे हैं, मैं यह समझता हूं कि जिस तरीके से एक सरहद पर हमारा फौजी हमारी सरहदों की हिफाजत करता है तो वैसे ही 5 महीने से ये कोरोना वॉरियर्स में कहूंगा कि खड़े रहकर कोरोना से लड़ते हुए हमारी जानों को बचाने की कोशिश में लगे हैं तो मैं मेरी जानिब से और मेरी पार्टी की जानिब से उन सारे डॉक्टर्स का सारे नर्सिंग स्टाफ का सारे सैनिटेशन स्टाफ का सारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स का सारे लैब टेक्नीशियंस का सारे झाड़ू देने वाले या जो भी हैं और वो जो बरियल ग्राउंड्स में ग्रेव्स खोद रहे थे उनका क्रेमेटोरियम्स में जो डेड बॉडीज को ले जा रहे थे उनका मॉर्चरीज में कोरोना से अफेक्टेड डेड बॉडीज को पकड़कर उनके घर वालों को दिए उनका मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हम सरहद के फौजियों को सलूट करते हैं मैं आज ये हेल्थ वर्कर्स और ये जितने कोविड वॉरियर्स हैं इस आह्वान के जरिए उनको सलूट करता हूं. अफसोस अफसोस आई एम सॉरी टू से नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन इज देयर इन दिस नोट नॉर अ सिंगल सेंटेंस कुड द हेल्थ मिनिस्टर गिव फॉर दीज वॉरियर्स. अफसोस. खैर, this is how the government functions or this is how they think the matter is serious. I leave it for their wisdom and it is for them to decide. Secondly, sir, I stand here and I remember all those people who have lost their life because of this corona. Ek ek ghar mein 4-4 logon ki maut hui, kai log mare, कई लोग मुतासिर हुए. मैं आज यहां खड़े होकर इस ऐवान के जरिए कोरोना में अपने चाहने वालों को जिन्होंने भी खोया है मैं उनके अफराद खानदान के साथ अपनी दिल की हमदर्दी का इजहार करता हूं और अपनी तरफ से ताजियत पेश करता हूं. और वो कोरोना वॉरियर्स के लिए भी जो अपनी जान को खोए हैं, हमारे स्टेट में भी डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ और मेरे हॉस्पिटल में ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में कि एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लॉस्ट हर लाइफ. आई रिमेंबर ऑल दोज वॉरियर्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको जो इस लड़ाई में आगे थे अपनी जान को खोए हैं मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके अफराद खानदान को सब्र दे. और मैं इस ऐवान की तरफ से भी
उनके साथ हूं, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी तकलीफ में उनके साथ हूं। और फिर उसके साथ साथ मैं यह समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, वो मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, वो मेरा भी चीफ मिनिस्टर है। वो सारे लोग जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दिए या चीफ मिनिस्टर फंड में जो कोविड में लड़ाई लड़ रहे थे, जो पैसा दिए हैं, जो भी दिए हैं, हुकूमत ने उनका शुक्रिया नहीं अदा किया इस नोट में, अफसोस फिर। लेकिन मैं समझता हूं कि ये चीफ मिनिस्टर भी मेरा है, ये प्राइम मिनिस्टर भी मेरे मुल्क का है, तो मैं उन सारे लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। वो अलग बात है कि नहीं मालूम वो कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, ऑडिटिंग होगी नहीं होगी, क्या होगी, वो अलग बहस है। लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी व फर्ज समझता हूं, इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं हर उस फर्ज का। एट द सेम टाइम सर, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द एनजीओज एंड ऑल द इंडिविजुअल्स हु केम फॉरवर्ड इन द लॉकडाउन पीरियड एंड हु आर हेल्पिंग द नीडी एंड द वंस हु आर हंग्री, जो दाने दाने को तड़प रहे थे उनकी जिन्होंने भी मदद की है, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ ने या किसी फर्द ने अपने जेब से एक भूखे के पेट में एक दाना भी डाला है, तो मैं समझता हूं कि यहां खड़े रहकर मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अफसोस इस नोट में उनको भी जगह नहीं मिली, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और यह बात जरूर कहूंगा कि मैं मेरी एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से 5.5 करोड़ रुपए का राशन मैंने तकसीम किया, 1 लाख फूड पैकेट्स दिया, 1 लाख राशन के किट दिए हमने। मैं सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से, मेरे पार्टी के एमएलए कोरोना शुरू हुए से लेकर आज तक फील्ड में थे, और मेरा एक पार्टी का एमएलए को हार्ट अटैक हुआ, मौजम खान को स्टंट डालना पड़ा, लेकिन आवाम के दरमियान थे, आवाम के बीच में थे, उनकी दुख में थे, उनकी तकलीफ में थे, उनकी मुसीबत में थे, और हमने काम किया। मैं उन सब का करूंगा, एक एक मेरे पार्टी के एमएलए फील्ड पर थे। मौजम खान इन्फेक्टेड हुए, बलाला इन्फेक्टेड हुए, अहमद पाशा खादरी इन्फेक्टेड हुए, सब हुए, लेकिन फील्ड को नहीं छोड़े। और वैसे जितने लोग मेरे दूसरे कोलीग्स, टीआरएस के एमएलए हो, कांग्रेस के एमएलए हो, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के थे, जो आगे बढ़कर फील्ड में काम किए हैं, मैं उनका भी मुबारकबाद देता हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वी हैव बीन देयर फॉर द पीपल, विद द पीपल इन दिस सिचुएशन। और ऐसे हालात में यह काबिले मुबारकबाद है। और उसके साथ साथ सर, व्हेन आई कम डाउन टू दिस नोट सर, द हेडलाइंस शॉर्ट डिस्कशन इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन द स्टेट एंड मेजर्स, सर इसमें मेजर्स के बारे में है, एंड दिस सीम्स टू बी मोर लाइक अ हेल्थ बुलेटिन। हेल्थ बुलेटिन हैज बीन इश्यूड, व्हाट इंपैक्ट दिस हैज लेफ्ट हैज नॉट बीन मेंशन। हैज द कोरोना नॉट इंपैक्टेड द इकॉनमी? हैज द कोरोना नॉट इंपैक्टेड सोशली? हैज द कोरोना नॉट इंपैक्टेड द बिजनेसेस? हैज द कोरोना नॉट इंपैक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन? हैज द कोरोना नॉट इंपैक्टेड द एजुकेशन? हैज द कोरोना नॉट इंपैक्टेड द इंडस्ट्रीज? हैज द कोरोना नॉट इंपैक्टेड द एग्रीकल्चर? हैज द कोरोना नॉट इंपैक्टेड ऑन द स्टेट फाइनेंसेस? हैज द कोरोना नॉट इंपैक्टेड ऑन ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी? हैज द कोरोना नॉट हैड एन इंपैक्ट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ? आई एम सो sad to say, nothing of that has been mentioned in this. Nothing has been said. Why so much of unseriousness? Sir, when I go through this, when I see all relief measures have been, what are the relief measures? That also has not been mentioned. You have given ration. Why didn't you mention that? You have given relief to the migrant workers. Why didn't you mention that? You have organized trains for the migrant workers. Why didn't you mention in this? You have given money. Why didn't you mention in this? I am so sad and sorry to say, I don't know
who's looking after the affairs. We have to look upon this. CM Garu.